पेपर्ड मॉथ बिस्टन बेटुलेरिया विद डल ग्रे और व्हाइट कलर वॉज अबंडेंट इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक बिकेम डार्क ड्यू टू स्मोक एंड सूट एंड द ब्लैक कलर्ड वेरियंट ऑफ द मॉथ बिकेम मोर अबंडेंट. द ब्लैक कलर ऑफ द मॉथ वॉज ड्यू टू, तो ब्लैक कलर क्यों आया? तो बेसिकली जो ब्लैक फॉर्म थी, वो ब्लैक जो कलर था, जो मिलेनाइज्ड फॉर्म था, मेलनाइज्ड मॉथ था, इट वॉज ब्लैक इन कलर एंड इट वॉज ड्यू टू द डोमिनेंट जीन. कि जो ब्लैक जीन थी वो डोमिनेंट जीन थी, पहले उसको कोई एडवांटेजियस, पहले उसका कोई एडवांटेज नहीं था. एनवायरमेंटल कंडीशंस व्हाइट को सपोर्ट करने वाली थी, इसलिए उसको एडवांटेज सिलेक्शन नहीं मिला. लेकिन जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई और जब सूट कवरिंग हो गई ट्रीज पर, तब ब्लैक जो मॉथ्स थे उन पर प्रेडेशन नहीं हुआ, वो बच गए. प्रोटेक्टिव कलरिंग की वजह से, कैमोफ्लाज की वजह से दे सर्वाइव एंड दिस लेड टू द इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ द ब्लैक और मिलेनाइज्ड मॉथ एंड दैट वॉज ड्यू टू द That was due to the dominant gene. ये जो ब्लैक कलर आया वो डिपोजिशन ऑफ सूट ऑन ट्री ट्रंक और लीव्स की वजह से ट्री पर आया. मॉथ ब्लैक कलर का किस वजह से हुआ? वो हुआ डोमिनेंट म्यूटेशन की वजह से, रेसेसिव म्यूटेशन की वजह से नहीं हुआ. इट वॉज ड्यू टू द डोमिनेंट म्यूटेशन. डिपोजिशन ऑन द सूट ऑफ विंग ऑफ मॉथ विच चेंज्ड इनटू डार्क विंग मिलेनाइज फॉर्म, ये बिल्कुल इररेलेवेंट है. अगर डिपोजिशन होता है सूट का मिलेनिन मिलेनाइज मॉथ के विंग्स के ऊपर, तो वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल या वो सिर्फ ऐसा ही चेंज होगा जो टेम्परेरी होगा. जो भी वेरिएशंस हैं दे शुड बी जेनेटिकली फिक्स्ड, तभी वो अगली जनरेशन में जाएगी. और हम बात कर रहे हैं कि मॉथ का नंबर बढ़ा, तो नंबर बढ़ेगा रिप्रोडक्शन से एंड वो जीन जो है वो आगे ट्रांसफर हुई, हेरिटेबल चेंज था. तो ये वाला ऐसा कोई चेंज वहां पर नहीं हुआ. डोमिनेंट म्यूटेशन इज द राइट आंसर हियर.